राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जहां पेपर लीक हो गया है, वहीं दौसा के आनंद शर्मा बालिका विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर खोले गए लिफाफे में बांसवाड़ा जिले के कोड के प्रश्न पत्र मिले हैं। इसके बाद केंद्राधीक्षक ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचना देकर मार्गदर्शन मांगा। इसके बाद आरपीएससी ने प्रथम पारी के प्रश्न पत्र रद्द किए जाने की बात कहते हुए परीक्षार्थियों को वापस भेजने के निर्देश दिए। 26 लाख लोगों ने रीट का पेपर दिया, जिसका आंदोलन किया गया था, और उसके बाद सरकार एक विधानसभा में एक सख्त कानून लाई थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद में होने वाला पटवारी का पेपर लीक हो गया, सिपाही का पेपर लीक हो गया, और अब सेकेंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो राजस्थान में लीक नहीं हुआ। वो इसलिए कि सत्ताधारी दल के कुछ लोग पेपर लीक माफियाओं के जरिए मिले हुए हैं, और राजस्थान के लाखों जो बेरोजगार हैं उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। एग्जाम शुरू तो 9 बजे से शुरू थी, आज दिनांक 24/12/2022 में ग्रुप सी का जीके का पेपर था। हमारे पास पेपर आ गए थे 8:20 पर, और हमने उनको 8:40 पर खोला, तो खोलते ही ऊपर का जो कट्टा था उसमें तो कोड संख्या हमारी 12002 है वो सही थी, लेकिन बाद में जब हमने वो कट्टा हटाया तो उसमें कोड और बांसवाड़ा ये लिखा हुआ था, और जिस जैसे ही वो मैंने देखा वैसे ही मैंने रोक दिया सभी को, और कंट्रोल रूम में मैंने फ़ोन किया, जो मेरे पर्यवेक्षक है उन्होंने भी किया, तो हमको ये मार्गदर्शन दिया गया कि मैडम आप जैसी भी है पेपरों को खोलो मत और उनको कट्टे में ही पैक कर दो। हमने कर दिया और कि उनसे ये मार्गदर्शन मांगा कि बच्चों का क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बच्चों को छोड़ दो कि आज का पेपर सुबह का रद्द हो चुका है और उनको सेकंड पारी की सूचना दे दो, सेकंड पारी में पेपर। बहुत बुरा फील हुआ कि एग्ज़ाम देने आए थे और पेपर भी कैंसिल हो गया, मतलब और सुबह सुबह सब लोग एग्ज़ाम सेंटर पे आए पेपर देने। सर सभी एक साल से लगभग कर रहे थे तैयारी, तो और पहली बार एग्ज़ाम देने आए थे सेकेंड ग्रेड का, और पहली बार ही ऐसा हुआ है। हर बार ऐसा ही होता जा रहा है, कभी कौन सा पेपर लीक हो रहा है, कभी कौन सा लीक हो रहा है, तो कितना सारा बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है।